पबजी गेम खेलने की लत एक छात्र की मौत की वजह बन गई। यह घटना नागपुर के अंबाझरी तालाब स्थित पंप हाउस में हुई, जहां पबजी गेम खेलते हुए जा रहे इस छात्र की पंप हाउस के पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन ही इस छात्र का जन्मदिन था और वह अपने एक साथी के साथ जन्मदिन मनाने के लिए अंबाझरी तालाब में पहुँचा था। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक छात्र 16 वर्षीय जरीपट का निवासी पुलकित राज शहदादपुरी है। 11 जून को पुलकित का जन्मदिन था। रात 12 बजे के बाद पुलकित ने अपने घर में ही परिजनों के साथ जन्मदिन का केक काटा था। पुलकित ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके पिता कपड़े के व्यापारी है और पुलकित माता पिता की इकलौती संतान था। मंगलवार तड़के जन्मदिन मनाने के लिए वह अपने मित्र ऋषि खेमानी के साथ नाश्ता करने के लिए शंकर नगर चौक पहुंचा, जहां पोहे की दुकान बंद होने के कारण वह दोनों दोस्त अंबाझरी तालाब में घूमने के लिए निकल गए। अंबाझरी तालाब स्थित पंप हाउस के पास बैठकर इन दोनों दोस्तों ने पबजी गेम खेलना शुरू किया। इस दौरान गार्ड के द्वारा सीटी बजाने पर वह डर के मारे दोनों वहां से जाने लगे। हालांकि उस दौरान भी पुलकित पबजी गेम में तल्लीन था और गेम खेलते खेलते ही वहां से जा रहा था। पंप हाउस में बने एक जाली नुमा गड्ढे से वह नीचे गिर गया। पानी में डूबने की आवाज होते के बाद मित्र ने जब पीछे देखा तो उसे पुलकित दिखा ही नहीं दिया। तब ऋषि ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, परंतु तब तक पुलकित पानी में गायब हो गया। बाद में इस घटना की जानकारी अंबाझरी पुलिस को दी गई। पुलिस ने गोताखोर जगदीश खरे और फायर ब्रिगेड की मदद से पुलकित के शव को पानी से ढूंढकर बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच चल रही है।